ये रुडोफ का क्वेश्चन नंबर 2.6 है। यहां बोला गया एक वर्टिकल सिलेंडर है, इस वर्टिकल सिलेंडर में एक पिस्टन लगा है जो फ्री टू मूव है, कहीं किसी तरह का फ्रिक्शन और ड्रैग नहीं है। वो पिस्टन उस सिलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अपर पार्ट का वॉल्यूम लोअर पार्ट के वॉल्यूम से ईटा टाइम्स ज्यादा है किसी टेम्परेचर टी वन पर। जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर अपर पार्ट का वॉल्यूम लोअर पार्ट के वॉल्यूम से ईटा डैश टाइम ज्यादा हो जाता है। सो आपको बताना है ये जो पहले का टेम्परेचर और बाद के टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि अपर पार्ट का वॉल्यूम V2 है, लोअर पार्ट का वॉल्यूम V1 है, अपर पार्ट का वॉल्यूम लोअर पार्ट के वॉल्यूम से ईटा टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा किसी टेम्परेचर T1 पर। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इस पिस्टन का एफबीडी बनाओगे तो पी टू ए फोर्स नीचे लगेगा प्रेशर की वजह से और पी वन ए फोर्स ऊपर लगेगा और वेट ऑफ द पिस्टन नीचे लगेगा। मतलब अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में लिखूं तो पी टू माइनस पी वन इंटू ए इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। फिर आपने यहां टेम्परेचर चेंज किया और यहां पर यह अपर पार्ट हो गया, लोअर पार्ट हो गया। अब अपर पार्ट का जो वॉल्यूम है नया वाला, वो लोअर पार्ट के वॉल्यूम से ईटा डैश टाइम्स ज्यादा है। इस समय टेम्परेचर इस पूरे अरेंजमेंट का टी टू था। फिर से एफ बी डी बनाओगे तो इसका मतलब क्या, ऐसी इक्वेशन आएगी पी टू डैश माइनस पी वन डैश ऐसा होगा कि एम जी बराबर हो। मतलब ये पी टू डैश माइनस पी वन डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसको ए डिवाइड करते तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब इसके प्रेशर का डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, प्रेशर का डिफरेंस चेंज नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया जो भी किया, ये प्रेशर डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा। ये बात है, क्लियर है। तो आप प्रेशर पता कर लेते हैं। P2 पता करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। P2 इज इक्वल टू एन आर टी वन बाई वी टू, ठीक है। N जो भी नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे और बोला गया बराबर मोल्स हैं, सो आर टी वन बाई वी टू। वी टू को ईटा टाइम्स ऑफ वी वन लिखा जा सकता है। P1 लिखो तो क्या आ जाएगा, आर टी वन डिवाइड बाई वी वन। फिर यहां पे P2 डैश लिखो क्या आएगा, आर टी टू डिवाइड बाई वी टू डैश। फिर यहां पे आर टी टू इज इक्वल टू ईटा डैश टाइम्स ऑफ वी वन डैश, ये जो भी नया वाला वॉल्यूम होगा, ठीक है। पी वन डैश क्या लिखोगे, इतना लिखोगे। अब तुम्हें पता पी टू माइनस पी वन यहां और पी टू माइनस पी वन यहां बराबर होगा, क्यों, अभी तो देख के आए हो ये दोनों बराबर ही तो है देखो। तो अगर मैं यहां से पी टू डैश माइनस पी वन डैश लिखूं जो कि ये आएगा, आप करके देख लो, मैं यहां से पी टू माइनस पी वन डैश लिखूंगा तो ये आएगा। ये दोनों जो हैं बराबर हैं, ठीक है। अब जब आप ये लिखोगे, ये यहां पे V जो लिखा है मैंने, V टोटल वॉल्यूम था इसका, ठीक है ना, जो हटाया जाएगा यहां पे, ये ऐसे V से कैंसिल हो जाएगा। V क्या था, टोटल वॉल्यूम था। तो अगर मैं V1 डैश लिखूंगा तो अकॉर्डिंगली मैं निकाल लूंगा क्या, अगर मैं बोलूंगा इसका टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है V, तो क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा टाइम्स ऑफ V1 प्लस V1। सो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई ईटा प्लस 1, अकॉर्डिंगली यहां पे ईटा डैश, ठीक है ना। तो इसको जब बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना। जैसे इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। सो मैं V1 डैश को V से रिप्लेस कर दूंगा और यहां पे मतलब यहां V1 को V1 डैश से, V1 को V से रिप्लेस कर दूंगा और यहां पे V1 डैश को भी V से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहां पे देखो ईटा डैश प्लस 1 आ गया, इन दोनों को बराबर कर दिया। अब जब बराबर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा T2 की जो वैल्यू आएगी T1 टाइम्स ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई ईटा डैश स्क्वायर माइनस 1 ईटा डैश डिवाइड बाई ईटा आ जाएगा, ठीक है। समझाया क्या किया मैंने, मैंने कैलकुलेशन फटाफट इसीलिए पहले लिख रखी थी कि इसे मैं जल्दी से समझा सकूं आपको, ठीक है। तो क्या है, फिर से देख लो, मैंने इसको इसको बराबर किया, पी टू माइनस पी वन को पी टू डैश माइनस पी वन डैश से बराबर किया। बराबर करने में क्या लिखेंगे हम, इसको डिफरेंस में लिखेंगे। तो डिफरेंस में लिखो तो वी वन डैश के टर्म में आएगा ना, लेकिन हमने वी के टर्म में लिखा। क्यों वी के टर्म में लिखा है, क्योंकि हमने क्या लिख रखा है, टोटल वॉल्यूम वी है ना, टोटल वॉल्यूम वी है तो वी वन प्लस वी टू का सम होगा। तो वी वन प्लस वी टू का सम किया, देखो वी वन वी टू को क्या लिख दिया, ईटा। तो ये वी वन आ जाएगा हमारा वी बाई ईटा प्लस वन, तो ये इधर लिख दिया अकॉर्डिंगली, ऐसे यहां भी लिख देंगे, ठीक है ना। सो ये रिलेशन आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा इमेजिन करने लायक क्वेश्चन है क्या हो रहा होगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये जे एडवांस और